नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा। आपको एक बात समझनी होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या ये कहा जाए बीजेपी अखिलेश यादव के लाल रंग से क्यों डरी हुई है। आखिर वो कौन सी तस्वीरें हैं जो भारतीय जनता पार्टी अपने पालतू न्यूज चैनल्स के जरिए छुपाना चाहती है। आखिर किस तरह से अखिलेश यादव जो लगातार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, उन तमाम तस्वीरों को, उन तमाम वीडियोज को मुख्यधारा का मीडिया दबा रहा है। एक छोटी सी झलक, मैं आपको कल उनकी मैनपुरी में जो सभा हुई, जो रोड शो वो लगातार कर रहे हैं, उसकी झलक दिखलाना चाहूंगा, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव से क्यों घबराई हुई है। देखिए, बात यहां नहीं रुकी दोस्तों। अब यह बात तय हो गई है कि यह मुकाबला है बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी, बीजेपी बनाम अखिलेश यादव। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि मुकाबला हो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुकाबला जो हो वो अखिलेश यादव बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की विश्वसनीयता आम जनता में लगातार गिरती जा रही है। उनके खिलाफ ब्राह्मणों में नाराजगी है, उनके खिलाफ पिछड़े वर्ग में नाराजगी है, उनके खिलाफ दलितों में नाराजगी है। लिहाजा इस मुकाबले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम अखिलेश यादव किया जा रहा है। और यही वजह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पर उनकी लाल टोपी को लेकर तंज कसा था, मगर वो भी बैकफायर कर गया है। आज अखिलेश यादव ने उनके उसी भाषण का इस्तेमाल करके वो अपने समर्थकों को अपने साथ जुटा रहे हैं। लाल रंग का फिर कल उन्होंने तंज कसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। सुनिए दोस्तों, रंग लाल है कि नहीं है, और लाल रंग से घबराता कौन है। हमने सुना है कि जो खेत में कभी कभी खुले घूमते वो भी लाल रंग से घबराते हैं। क्या लाल रंग से सांड भी घबराते हैं? प्रधानमंत्री ने जिस तरह से पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर वो अजीबोगरीब तंस कसा था, याद है आपको, दे दे अ दे दे। कहा जा रहा है कि जिस तरह से वो तंस उस वक्त कसा गया था और वो बैकफायर कर गया था, अब जो लाल टोपी की उन्होंने बात कही उससे हुआ क्या, मैं आपको बतलाता हूं। उससे हुआ ये है कि जो समाजवादी पार्टी समर्थक है वो पूरी तरह से लामबंद होता दिख रहा है। आप अखिलेश के रोड शोज में देखिए, जनता वहां खुद आ रही है उसमें दो राय नहीं है, मगर इन तमाम रोड शोज में समाजवादी पार्टी का जो समर्थक है उसका उत्साह देखते बन रहा है, और यह चीज जो है वो बीजेपी को खाए जा रही है। यही वजह है दोस्तों कि अखिलेश यादव के समर्थकों पर चार दिन तक, सही सुना आपने, चार दिन तक इनकम टैक्स की रेड चली। बाद में कल ही शाम को इनकम टैक्स ने बाकायदा एक पर्चा जारी किया कि हमने क्या क्या बरामद किया। वो पर्चा जो उन्होंने जारी किया है दोस्तों, उसकी विश्वसनीयता यह है कि खुद न्यूज चैनल्स ने जो है उसका जिक्र नहीं किया, कहीं पर किसी न्यूज चैनल, किसी भी गोदी मीडिया में इस बात का जिक्र नहीं हुआ है कि इनकम टैक्स की रेड में क्या बरामदगी हुई है। उल्टा अगर आप आपके स्क्रीन्स पर भारत समाचार, जो कि वहां का एक स्थानीय न्यूज चैनल है, उसे देखें तो उन्होंने अपने समाचार में कहा था कि चाहे जैनेन्द्र यादव हों, जो कि अखिलेश यादव के सेक्रेटरी थे, उनके घर से कोई खास बरामदगी नहीं हुई है, मुश्किल से 1,00,000 रुपए और 400 ग्राम सोना, या जो तमाम अन्य नेता हों वहां से कोई खास बरामदगी नहीं हुई है, मगर इनकम टैक्स की रेड बतलाती है कि बीजेपी अखिलेश यादव से किस तरह बौखलाई हुई है। इस तरह के इम्कान हैं,
इस तरह की संभावना जताई जा रही है कि अभी तो सिर्फ इनकम टैक्स के जरिए शुरुआत है, आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी पर तमाम बड़ी बड़ी एजेंसीज जो हैं वो रेड मारने वाली हैं। भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जैसे जैसे नीचे जाएगा, जैसे जैसे वो देखेगी कि अखिलेश यादव को समर्थन मिल रहा है, वैसे वैसे इनकम टैक्स की रेड, सीबीआई की रेड, ईडी की रेड, ये तमाम चीजें जो हैं वो और उग्र होती जाएंगी। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, अखिलेश यादव किस तरह से इस भीड़ के बीच में अपनी बात रख रहे हैं, किस तरह से वो जरूरी मुद्दे उठा रहे हैं, और बीजेपी इस प्रतिक्रिया से डरी हुई है, इसकी एक और झलक देखिए। आज फिर जब हम लोग चुनाव में जा रहे हैं, तो आपसे हम अपील करने आए हैं और आपसे सहयोग मांगने आए हैं। एक भारतीय जनता पार्टी जिसने जनता को परेशानी दी है, जनता के सामने दिक्कतें पैदा की है, इनके हर फैसले ने किल्लत पैदा की है, आम लोगों को जिन्नत का सामना करना पड़ा है, ऐसी सरकार को हटाने के लिए मैं आपसे अपील करने आया हूँ। दोस्तों, बीजेपी के लिए चिंता की बात क्या है? कल बीजेपी ने मातृशक्ति का महाकुंभ मनाया। आपकी स्क्रीन पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रयागराज में थे। इस सभा में औरतों को भर भर के सरकारी बसेस में लाया गया, यानी कि सरकारी पैसे से बीजेपी चुनावी रैलीज कर रही है। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आते हैं, हाथ हिलाते हैं, साथ में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी हैं। मगर ये जो मातृशक्ति का महाकुंभ हुआ, ये भी बीजेपी के जो है खिलाफ हो गई। क्यों? क्योंकि जिन औरतों को भर भर के बसों में लाया गया था, जब उन औरतों से पत्रकारों ने बाद में बात की, कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में बात की, तो उनकी जबरदस्त नाराजगी सामने उभर कर आई। कई इस बात की शिकायत कर रहे थे कि हम सुबह से जो हैं भूखे हैं, हमारे को कोई नहीं पूछ रहा है। एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखलाऊंगा दोस्तों, हमारे पत्रकार मित्र हैं संजय शर्मा, उन्होंने हमें फॉरवर्ड किया है, ये झलक देखिए, इसमें आपको पता चलेगा कि वहां औरतें किस कदर नाराज हैं। आजमगढ़ पल्ली ब्लॉक से आए। तो कल कब कितने बजे आई थी आप? कल 10 बजे से घर से निकले थे हम लोग, ब्लॉक पे आ गए। तो खाना पीना यहाँ पे, बस रास्ते में चाय बिस्किट नमकीन मिली थी, फिर शाम यहाँ पे पूरी सब्जी मिली, फिर उसके बाद सुबह में चाय मिली, बिस्किट मिली, और उसके बाद पूरी सब्जी खिला के लाया, लेकिन दोपहर का नाश्ता हमें नहीं मिला है अभी तक, हम बिना नाश्ते के। अभी तक आपको खाना नहीं मिला? मोदी शाम को 4 बजे किसी रैली कभी ना करता। तो क्या आप दोबारा आने चाहेंगे? नहीं, हम नहीं आना चाहेंगे। घर से इतना रिक्स अपने बाल बच्चों को परिवार को छोड़ के आए, क्या समस्या खोल लेने आए? मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि आपको याद होगा निषाद समाज के साथ अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की रैली होती है। दोस्तों, अब आपके स्क्रीन पर यह वीडियो देखिए। इस वीडियो में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो लोग आरक्षण को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं, तब जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भाषण दे रहे थे। नारेबाजी कर रहे हैं शिक्षक मंत्री मुर्दाबाद, उनमें जबरदस्त नाराजगी है, और यह सब हो रहा था मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में। और जैसे ही दोस्तों यह सभा समाप्त होती है, निषाद समाज के लोग कहते हैं कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। सुनिए। सूर्यनाथ निषाद प्रदेश सचिव निषाद पार्टी। आज तो आरक्षण की घोषणा नहीं हुई। आरक्षण की घोषणा नहीं की है तो डॉक्टर संजय चले जाएंगे, वोटर और सपोर्टर कोई नहीं जाएगा। अच्छा, आप लोग नहीं जाएंगे? हम लोग नहीं जाएंगे, ना हमारा कार्यकर्ता जाएगा ना वोटर सपोर्टर जाएंगे। आरक्षण का घोषणा नहीं, हम आज आरक्षण के लिए बुलाए थे, आरक्षण के मुद्दे पर कुछ नहीं बोला। आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, आरक्षण पहले से भी कहते थे आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। आज तो घोषणा हुई है, चेहरे घुमाती है भाजपा, हम लोग घूमेंगे नहीं, वोट नहीं इनको होगा। निषाद पार्टी, निषाद पार्टी। और यही नहीं दोस्तों, कल जो महिलाएं भी आई थी प्रयागराज में, उनमें भी इस कदर नाराजगी थी, वो भी लगातार कह रही थी कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि बीजेपी ने हमें परेशान किया है, महंगाई जो है वो तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ढर्रे की सियासत कर सकती है और कुछ नहीं। उन लड़कियों में भी, उन औरतों में भी जबरदस्त आक्रोश था। जो पत्रकार उन बसों में घुस घुस कर उनसे बात कर रहे थे, वो तमाम पत्रकारों को यही बातें सुनाई पड़ रही थी। और बीजेपी की मुश्किलें यहां नहीं खत्म हो रही हैं, इन्होंने जन विश्वास यात्रा शुरू की है दोस्तों।
उत्तर प्रदेश के अंदर बताया जाता है कम से कम 6 जनविश्वास यात्राएं शुरू हो चुकी हैं। मैं आपको गोंडा का वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों, 1 मिनट का वीडियो है, अब मैं इसे शुरू करने वाला हूं। ये देखिए, अब इस वीडियो में आप देखिएगा किस तरह से कौतूहल मचा हुआ है। वहां जो जनता आई है वो उनकी जनविश्वास यात्रा में देखिए किस तरह से व्यवधान डाल रहे हैं ये लोग, कुर्सियों को जो है तोड़ा जा रहा है और भाजपा के नेता उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप गुस्सा मत हो। तो यह बतला रहा है जन विश्वास यात्रा की हकीकत। यह जन विश्वास यात्रा नहीं दोस्तों, यह तो जन अविश्वास यात्रा बन गई है। तो एक तो यह वीडियो जो मैंने आपको दिखाया, इसके अलावा इन जन विश्वास यात्राओं में मैं आपको 2 नेताओं का जिक्र करना चाहता हूं जो एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आएंगे। श्रीकांत शर्मा जो कि मंत्री भी हैं और मथुरा से विधायक भी हैं, और साथ ही जेपी नड्डा जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं, इन्होंने भी जन विश्वास यात्राएं की थी मगर मुश्किल से 500 से 1000 लोग वहां जुटे। यानी कि जनता में विश्वास पैदा करने की बजाय ये यात्राएं अविश्वास का प्रतीक बनती जा रही हैं। बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है, इसमें दो राय नहीं है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह शख्स अखिलेश यादव जो लगातार बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। मगर मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग पूछेंगे क्या इसका मतलब यह हुआ कि अखिलेश यादव चुनाव जीत गए? बिल्कुल नहीं साहब, मैं आपको बतला दूं, चुनावों से मतदान से 24 घंटे पहले तस्वीर बदल जाती है और भारतीय जनता पार्टी एक अरसे से चुनावी माहौल में सांप्रदायिक उन्माद, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का प्रयास कर रही है। और उसकी 2 मिसालें आपके सामने हैं। कैराना में जिस तरह से मुजफ्फरनगर दंगों में किरदार निभाने वाले सुरेश राणा ने भड़काऊ बयान दिया, कैराना में उसी मंच पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बार बार दंगों की याद दिला रहे थे, सहारनपुर पहुंचते मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और अमित शाह और उस रैली के अंदर भी शाकुंभरी विश्वविद्यालय के शिलान्यास पर दंगों की याद दिलाई जाती है, फिर मथुरा जैसी पावन नगरी में, कृष्ण नगरी में दोस्तों, वहां पर तनाव पैदा किया जाता है यह कहकर कि हम शाही ईदगाह में मंदिर लगाएंगे भगवान कृष्ण की, जबकि हमारे सामने मिसाल है दोस्तों, अदालत के रास्ते मंदिर बनाया जाता है। श्री राम का जो मंदिर बन रहा है अयोध्या में, वो भी तब जब अदालत में आपको जीत हासिल हुई थी, मगर बावजूद इसके दोस्तों चुनाव के मद्देनजर इस तरह से तनाव पैदा किया जा रहा है। तो बीजेपी के हाथ में यह ताकत है, और अगर यह ताकत उग्र होती गई, क्योंकि बीजेपी आने वाले दिनों में उग्र होगी, तो हो सकता है, एक संभावना है कि जनता सांप्रदायिक तौर पर बट जाए। मगर अब तक यह साजिश कामयाब नहीं हुई है दोस्तों। अब तक जनता जो है वो लगातार देख रही है कि बीजेपी जो है वो मुद्दों पर नहीं बने रहना चाहती, वो यही तमाम चीजें करना चाहती है। यही वजह है कि जनता इस वक्त बीजेपी के इस खेल को देख रही है। अब आप मुझसे कह सकते हैं कि अभिसार जी, क्या यह भीड़ का मतलब यह हुआ कि जनता जो है वो अखिलेश यादव में अपना विश्वास जतला रही है? और मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग यह भी कह सकते हैं कि बिहार के चुनावों में भी तेजस्वी यादव को देखने भीड़ आ रही थी मगर उनकी सरकार तो नहीं बनी। बिल्कुल सही कहा आपने, उनकी सरकार नहीं बनी, मगर तेजस्वी यादव की आरजेडी बिहार के विधानसभा चुनावों में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, बीजेपी से भी बड़ी पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस पार्टी में है उससे भी बड़ी पार्टी, नंबर 1। नंबर 2, तेजस्वी यादव को नीचे लाने में 2 पार्टियों का किरदार था। नंबर 1 कांग्रेस का जो प्रदर्शन था वो बहुत ही दयनीय प्रदर्शन था, नंबर 1। नंबर 2 ओवैसी, सीमांचल के इलाकों में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें हासिल की और कम से कम 10 सीटों पर नुकसान किया। और फिर आपको याद होगा काउंटिंग वाले दिन पर कम से कम 5 ऐसी सीटें थीं जहां मुकाबला मुश्किल से 100 से 500 वोटों का था। कई स्वतंत्र पर्यवेक्षकों और पत्रकारों ने मुझसे कहा कि वहां पर स्थानीय प्रशासन की मदद से तस्वीर को पलट दिया गया, यानी कि फ्री एंड फेयर नतीजे नहीं थे, निष्पक्ष नतीजे नहीं थे, वहां पर स्थानीय प्रशासन का एक किरदार था। और यह बात सिर्फ आरजेडी के लोग नहीं कहते हैं, यह बात कई पत्रकार और स्वतंत्र पर्यवेक्षक भी कहते हैं। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि तेजस्वी यादव बिहार चुनावों में
चुनाव से मुश्किल से 2 महीने पहले एक्टिव हुए, अखिलेश यादव एक अरसे से एक्टिव हैं। तो फिर मैं दोहराना चाहूंगा, इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि अखिलेश यादव ये चुनाव जीतने वाले हैं। अभी लंबा वक्त बचा है दोस्तों, हम नहीं जानते बीजेपी क्या क्या खेल करने वाली है, मगर एक बात तय है, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको कार्यक्रम में बताया, बीजेपी जो भी कर रही है वो बैकफायर कर रहा है, वो उसकी मदद नहीं कर रहा है। खैर, हमारी निगाह लगातार इस घटनाक्रम पर बनी रहेगी, निष्पक्षता से पल पल की जानकारी आपके सामने लाएंगे। हम उन न्यूज चैनल्स की तरह नहीं है दोस्तों जो विपक्ष की रैलियों को नहीं दिखाते, विपक्ष के मत को नहीं दिखाते, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की एक बहुत अहम भूमिका और शायद सबसे अहम भूमिका होती है उनकी आवाज को दबाना, पत्रकारिता के उसूलों के सरासर खिलाफ है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।